हाय हेलो भाई लोग, आप सभी को फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप रूम से मतलब कि कस्टम रूम से वेक्टर गन को हटा सकते हो। तो जब से करीना वालों ने वेक्टर गन को अलाउ किया है, मतलब कि वेक्टर गन को लॉन्च किया है, तब से जो कि कस्टम वालों की जो कि सरदर्द बन गया है जो कि वेक्टर वाला गन, क्योंकि ये भाई आसानी से किसी को किल कर लेता है। तो भाई दो दो वेक्टर लेके भाई कोई किसी को आराम से मार सकता है। तो भाई लोग आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पुराने मोड से आप जो कि खेल सकते हो कस्टम, जिसमें कि जो कि वेक्टर गन नहीं आएगा, MP40 आएगा और शॉटगन आएगा। तो इसके इसके लिए आप जो कि वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को पूरा देखो और आप समझ जाओगे कैसे आप जो कि पुरानी मोड से खेल सकते हो। इसका भी ऑप्शन है जो कि कस्टम में, तो आपको चलिए ट्रिक बता देते हैं कैसे आप खेल सकते हो पुरानी मोड से, जैसे कि उसमें जो कि आएगा MP40 आएगा और जो कि शॉटगन आएगा लेकिन वेक्टर गन नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेक्टर गन को हटाने के लिए पहले आप रूम पे जाओ। तो चलिए हम रूम क्रिएट कर लेते हैं। पहले रूम देखिए, रूम पे कस्टम पे जाके क्लिक कर लो। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आपके जो रूम वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए कस्टम पे क्लिक कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए क्रिएट वाला ऑप्शन में जाके क्लिक करना है। इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे आ जाएगा गेम मोड। तो गेम मोड में आप जो कि यहाँ पे देखिए क्लासिक आया है, तो इसमें जाके आप जो कि क्लास स्क्वाड सिलेक्ट कर लो। तो पहले चलो क्लास स्क्वाड सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए गेम मोड लिखा हुआ है क्लासिक, देखिए ये वाला ऑप्शन, इसमें जाके क्लिक करके जो कि आपको इसको जाके क्लास स्क्वाड में सिलेक्ट करना है। पहले क्लास स्क्वाड में सिलेक्ट करने के बाद आपको जो कि बाद में जो कि ड्रॉप लिस्ट जो वाला ऑप्शन है ना, वो है देखिए गेम मोड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे वहाँ पे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए आपको बता दें, देखिए क्लास स्क्वाड वाला ऑप्शन करवा दिया। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप लिस्ट वाला ऑप्शन आया है। देखिए ड्रॉप लिस्ट में यहाँ पे जो कि आपको क्या करना है कि देखिए कॉम्पिटेटिव मोड है, यहाँ पे देखिए आप देखते हैं यहाँ पे कॉम्पिटेटिव मोड को आप जो कि क्रेजी मोड में डालो। अगर क्रेजी मोड में डालते हो तो आपकी पुरानी जैसा हो जाएगा कस्टम कार्ड। क्रेजी मोड में डाल के जो कि आप कंफर्म करवा लो और मैच मतलब कि शुरू कर लो। तो आप देखो जो कि मैच शुरू होने के बाद आपकी जो कि वेक्टर गन और नहीं आएगा, ठीक है। अगर वेक्टर गन को हटाना चाहते हो तो भाई आप जो कि क्रेजी मोड में खेलो। देखिए ड्रॉप लिस्ट वाला ऑप्शन है, देखिए इस वाली में जो कि यहाँ पे जो कि आपका जो कि देखना जो कि इसमें जो कॉम्पिटेटिव मोड होगा, मतलब कि कॉम्पिटेटिव मोड होगा, उसको जाके क्रेजी मोड में डालना है, ठीक है। क्रेजी मोड में डालने के बाद कस्टम क्रिएट कर लो और जो कि है तभी आपका जो वेक्टर गन नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो चलिए फिर से आपको बताते हैं। तो फिर से देखिए आप देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्लासिक में, देखिए यहाँ पे जाके मैं क्लास स्क्वाड पहले सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे देखिए कॉम्पिटेटिव मोड आ रहा है, तो कॉम्पिटेटिव मोड को यहाँ पे आपको जो कि क्रेजी मोड करना है। क्रेजी मोड कर देते हो तो आपको जो कि अगर आप क्रेजी मोड कर लेते हो तो आपको जो कि यहाँ पे जो कि MP40 आ जाएगा और शॉटगन आएगा लेकिन वेक्टर गन हट जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से जो कि है वेक्टर गन को हटा सकते हो। तो भाई लोग ये इन्फॉर्मेशन के लिए तो लाइक बनता है भाई, लाइक कर दो और वॉच कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई इसी तरह का वीडियो लेने के लिए। और भाई जो कि हमारे यहाँ पे जो कि कस्टम वाला मैच जो कि करवाते हैं हम, जो कि आप अगर खेलना चाहते हो तो भाई आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। ओके थैंक यू भाई, गुड लक भाई, थैंक यू ऑल भाई, लव यू गाइज।